नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। कल यहां पर जो है कमांडर अशोक रावत जी का जन्मदिन भी था और इस जन्मदिन के मौके पर वह यहां पर मध्य प्रदेश नीमच में थे और यहां पर जो है पेंशन धारकों के बीच उन्होंने जो है अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने अपने अभिभाषण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के बारे में विस्तार से चर्चा की और यदि पेंशन धारकों को इन दो में से किसी एक पेंशन को चुनने का मौका मिले तो उन्हें जो है कौन सी पेंशन यहां पर जो है चुनना चाहिए, इसके बारे में भी अपडेट दिया। इसको हम बोलते हैं मिनिमम पेंशन, मतलब जिसको भी एक रुपया पेंशन होगी उसको 7,500 और महंगाई भत्ता मिलेगा। ये काम महंगाई भत्ता 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा, इसके लिए कोई पैसा भरना नहीं पड़ेगा। और आरोग्य सुविधाएं, और जो हायर पेंशन की बात है उसके लिए आपको जब से आप नौकरी में लगे तब से पूरे पेमेंट पे आपको 8.33 भरना है। जो आपने पहले भरे थे 15,000 के सीलिंग में वो छोड़ के बाकी जो बनता है ब्याज के साथ भरना है। हाँ, वो आपको ब्याज के साथ भरना है और उतना मतलब 22,000 किसी का 25,000 किसी का 40,000 निकल रहा है वो भरना है। उसके बाद वो एरियर्स देंगे, उसको ब्याज नहीं होगा, लेकिन नीति ऐसी। और तीसरी बात, उसको महंगाई भत्ता नहीं होगी। और चौथी बात, समझो मैंने 20,00,000 रुपये इधर उधर से करके दिए और फिर एक आध महीने के बाद दो महीने के बाद मैं चल बसा, मेरे पैसे भी गए। इसलिए आपको सोच कर ये काम करना चाहिए। जब भी आप करोगे आपकी स्थिति, आपका आरोग्य, आपके पास कितने पैसे हैं वो देख के करना है। अदरवाइज मिनिमम पेंशन अगर मिलती है तो वो लेना ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल, ठीक है? डाउट क्लियर हो गया? साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारक और ईपीएफओ के बीच जो सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की यहां पर जो है समिति होती है, उस बैठक में जो जो लोग यहां पर शामिल होते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि यदि ये लोग चाहे तो ईपीएस 95 पेंशन को किस तरह से यहां पर जो है वृद्धि कर सकते हैं और इन्हीं की बदौलत अब तक जो है यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिल रही सुविधा यहां पर जो है गायब की गई, वो भी जो है यहां पर सीबीटी की बैठक में ही यहां पर जो है निर्णय लिए गए थे। हमारा संघर्ष पिछले 8 सालों से अविरत चल रहा है, दिन रात चल रहा, हजारों आंदोलन हुए, आज 27 राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश इसमें आज टूट पड़े हैं। पूरे देश का ज्येष्ठ नागरिक आज जागरूक हुआ है और एक ऐसे सरकार को, सरकार या सिस्टम, ऐसी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है और बोल रहा है कि मेरा हक रख, साडा हक तेरा, जो मेरा हक है वो चाहिए। हमसे इन्होंने जिंदगी भर पैसे जमा किए, पहले 4 से 17 रुपए महीना थे, फिर 541, अभी 1250। अगर हमने जमा किए हुए पैसे का आज की तारीख में वैल्यूएशन देखेंगे तो तकरीबन 20,00,000 रुपए हर किसी का सरकार के पास है और सरकार वो 20,00,000 अभी कभी वापस नहीं देगी। ये 2008 में उन्होंने निर्णय किया कि ये पैसा वापस नहीं होगा और ये निर्णय लेते समय वर्मा साहब वहाँ पे इंटक के 3, बीएमएस के 3, कम्युनिस्टों के 3 और एचएमएस का 1, ऐसे 10 कामगारों के सदस्य थे। 43 लोगों की जो सीबीटी मीटिंग है, सीबीटी कमेटी है, उसमें 10 लोग कामगारों के प्रतिनिधि थे। जब ये निर्णय हुआ कि 78,00,000 लोगों का जमा हुआ किया हुआ पैसा वापस नहीं होगा तो ये 10 लोगों ने उस पर दस्तखत किए, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना विरोध किए,
कहीं वॉकआउट नहीं किया, किसी ने राजीनामा नहीं दिया, रेजिग्नेशन नहीं दिया, त्याग पत्र नहीं दिया। तो ये हमारी संगठना है, पूरे भारत की कामगारों की संगठना नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की संगठना है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आप मानते हो इस बात को? मानते हैं। बीएमएस आपका काम नहीं करती, वो बीजेपी का काम करती है। इंटर आपका काम नहीं करती, वो कांग्रेस का काम करती है। ये उनके आपने छोड़े हुए पुर्गे बराबर है। मैं वो क्या करते उससे मतलब नहीं, लेकिन जब हमारा हक मारा जा रहा था तो उस समय आप उस मीटिंग में थे, तो आपने इसको रोका क्यों नहीं? विरोध करना था, अपनी बाजू रखनी थी, लेकिन सब चाय बिस्कुट पार्टी है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं हूँ, मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कि अभ्यास के दौरान, ये 8 साल के संघर्ष के दौरान मुझे समझ में आया ये किसी के सगे नहीं है, ये उनके पॉलिटिकल बॉसेस के लोग हैं। तो इस तरह से कल शाम यहाँ पर जो है नीमच में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक बैठक एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर ली, उन्हें जो है यहाँ पर जागरूक करने का प्रयास किया और संगठन को मजबूत करने पर भी यहाँ पर जो है चर्चा की। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये अपडेट जो है आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।